मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बेटा देव, ये बताइए कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए? मम्मी, आज मैं अपने दोस्तों के संग उनके घर चला गया था, इसलिए मुझसे देरी हो गई है। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? आई एम सॉरी मम्मी। बेटा देव, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम एक शिरनाक की बेटी हो, और फिर अब बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हैं। इसलिए मेरा कहना है, बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। ठीक है मम्मी, आज के बाद बगैर आपसे पूछे हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरी समझ नहीं आती। कौन सी बात माँ? आज काफी दिन हो चुके हैं तुम्हारे डैडी जब से वो ड्यूटी पे गए हैं, ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। क्या मम्मी, पापा ने आज भी फोन नहीं किया है? नहीं बेटा। मम्मी, हो सकता है कि कोई कारणवश उन्हें फोन करने का वक्त ना मिला हो। कारणवश? हाँ मम्मी, क्योंकि आप जानती हैं क्यों शिमश रहते रहते हैं। हो सकता है कि किसी बात की ने या कोई देश से उन्हें शंका हो, इसलिए आज का दिन हम उनका वेट करेंगे। अगर वो फोन क्या बात है माँ बेटी बहुत बातें करते हैं। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरे बारे में? जी पापा जी। क्या बातें कर रहे थे? हम लोग यही सोच रहे थे कि आज काफी दिन गुजर गए हैं, कौन सी अच्छी बात हो गई है जो कि हमारे पापा जी को फोन करने का भी वक्त नहीं मिला है। हाँ बेटी, कुछ ऐसी बात थी इसे फोन नहीं किया, और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ जिसे सुनकर माँ बेटी खुश हो जाओगी। स्वामी जी, कौन ऐसी खुशी का पैगाम लेकर आए हैं, जरा हम लोगों को भी बताइए। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ महाराज? अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। क्या? महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? अब वो 24 घंटे सोना तो जानती ही नहीं, बातें करती रहती है। स्वामी जी, लेकिन राजकुमारी ये ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई है, मैं जानना चाहती हूँ। अरे, इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक घनिष्ठ जंगल है, और उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है, और महाराज व महाराज की बेटी को उसी मंदिर पर पहुंचा दिया। वहां
एक तंत्री जिसका नाम बाबा कल्याणी मल क्या और माँ काली की कृपा से और कल्याणी मल के आशीर्वाद से राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो गई। बेटी समझी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी, भी खुश होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, इस खुशी में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो आप? कसरी स्वामी जी, आपके विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। स्वामी जी आपसे और हमारे बेटे को साथ लेकर आप भी चलिए, मैं काली माँ का दर्शन करूँ और बाबा जी से अपने बेटे के हस्तरेखा को दिखा कर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। यानी तुम माँ काली के दर्शन करना चाहती हो? जी स्वामी जी। और बाबा से जानकारी करूँगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जर जानना चाहती क्या लिखा भाग में, चलू बाबा के टीना करूं खुशुजर। जानना चाहती बात है तो इसी वक्त तैयारी बनाओ और दिन भी अच्छा है और चलकर हम लोग माँ काली के दर्शन करें और बाबा से जानकारी करें। बेटे तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बेटे अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम आसाम राज में रोशन है, उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर और देश की सेवा करो। हाँ पापा,
मैंने भी अपने दिल के अंदर यही अरमान रखे हैं कि जिस तरह मेरे पिताजी इस मुल्क का शान के सेना अफसर हैं, उसी तरह मैं भी पढ़ लिख कर किसी मुल्क का सेना अफसर बनना चाहता हूं और देश की रक्षा करना चाहता हूं। शाबाश बेटी, शिक्षा वो शेरनी माँ का दूध है जो पीकर जिंदगी भर दहाड़ोगे कभी कम नहीं होगा। माँ के साथ चलो, हम कल्याणी मल के पास चल रहे हैं।